भाजपाइयों, ये नौटंकी हमारे साथ मत खेलो। तुम्हारी सारी चालबाजियों को हम लोग समझते हैं। अरविंद केजरीवाल बिल्कुल इस्तीफा नहीं देंगे। कहते हैं चिट्ठी कैसे लिखेंगे, 6 महीने जेल में रह के आया भाई। जेल मैनुअल में लिखा है कोई भी व्यक्ति जेल में रह के असीमित चिट्ठियां लिख सकता है, असीमित। सारे कानून तो तुम लोग जेल भेज भेज के पढ़वा दे रहे हो हम लोगों को। लाठी चलाओगे, तुम्हारे पास जितनी मजबूत लाठी है उससे मजबूत हमारे कंधे हैं, उससे मजबूत हमारे सीने हैं, उससे मजबूत आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता का जज्बा है। तो भाजपाइयों जवाब दो इसका, क्या देश का प्रधानमंत्री बंगाल के थाने में जाके जांच में शामिल होगा कि नहीं होगा, बताओ मुझे, जवाब दो इसका। क्या वो शामिल होगा तमिलनाडु की जांच में? क्या वो जांच में शामिल होगा पंजाब के अंदर? दरोगा, डीएसपी, एसपी इन्हीं विपक्ष के राज्यों से, रेवंत रेड्डी के राज्य से, सिद्धारमैया के राज्य से पहुंच गए गृह मंत्री अमित शाह के घर में, बोले अमित शाह है, उससे पूछताछ करनी है। कहेंगे हम तो गृह मंत्री है, बोलो गृह मंत्री तो सब समान है। इसलिए भाजपाइयों ये नौटंकी हमारे साथ मत खेलो। तुम्हारी सारी चालबाजियों को हम लोग समझते हैं। अरविंद केजरीवाल बिल्कुल इस्तीफा नहीं देंगे और दिल्ली की दो करोड़ जनता के लिए काम करेंगे। दिल्ली की 2 करोड़ जनता के लिए काम करेंगे। कहते हैं चिट्ठी कैसे लिखेंगे, 6 महीने जेल में रह के आया भाई, 6 महीने जेल में रह के आया। आतिशी जी, कैलाश गहलोत के पास जेल विभाग है, उनसे पता कर लीजिएगा। मैंने तो डीपीआर भी पढ़ा, संजीव झा को रास्ते में बता रहा था। जेल मैनुअल में लिखा है कोई भी व्यक्ति जेल में रह के असीमित चिट्ठियां लिख सकता है, असीमित। पढ़ लेना, पता नहीं हमारे मीडिया वाले क्यों नहीं पढ़ पाते। बहस चल रही थी केजरीवाल सरकार कैसे लिखेंगे, कैसे चलाएंगे, चिट्ठी कैसे लिखेंगे। असीमित चिट्ठियां लिख सकते हैं आप, असीमित, उसकी कोई लिमिट नहीं है। और अगर कोई सरकारी चिट्ठी लिखनी है तो कोर्ट से परमिशन, और अगर सरकारी चिट्ठी को, एक मिनट सुन लो बात, और कोई सरकारी चिट्ठी लिखनी है तो जेल सुपरिंटेंडेंट उस चिट्ठी पे मोहर लगाकर उसको अटेस्ट कर देता है। पढ़ लेना, सारे कानून तो तुम लोग जेल भेज भेज के पढ़वा दे रहे हो हम लोगों को, सारे कानून पढ़वा दे रहे हो। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, इनका जवाब देने का वक्त आ गया है। मोदी जी क्या कहते हैं, भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं, भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक जितने भ्रष्टाचारी हैं सबको भाजपा में शामिल करूंगा। गलत तो नहीं कह रहा भाई। रात में 10 बजे किस जज्बे के साथ हमारा कार्यकर्ता ललकार रहा है, देखो मोदी जी, देखो आखिर, देखो ये आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, देखो देखो ललकार रहा है। ये तुम्हारे बंदर गुड़की से डरेगा, ये तुम्हारी बंदर गुड़की से डरने वाला है। भाजपाइयों की बंदर गुड़की से कार्यकर्ता हमारा डरने वाला है। लाठी चलाओगे, तुम्हारे पास जितनी मजबूत लाठी है उससे मजबूत हमारे कंधे हैं, उससे मजबूत हमारे सीने हैं, उससे मजबूत आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता का जज्बा है। लाठी चलाओगे,
कहते भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ूंगा, एक एक भ्रष्टाचारी को शामिल करूंगा।